हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ ममता भट्ट एंड आज हम बनाएंगे रोजाना गुजराती खट्टी मीठी दाल। तो आइए देखते हैं गुजराती खट्टी मीठी दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। गुजराती खट्टी मीठी दाल बनाने के लिए हमें चाहिए तुवर दाल, जो मैंने एक घंटे पहले भिगो दी थी, आधी चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सूखे मेथी के दाने, हल्दी, मिर्च और धनिया जीरा पाउडर, कोकम, गुड़, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च, पिसा हुआ अदरक और गार्निश के लिए धनिया। तो आओ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तेल डालेंगे, करीब 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, उसमें राई, जीरा और मेथी दाना डाल देंगे। जब ये पॉप अप हो जाए तब इसमें थोड़ी सी जो मैंने हींग ली है वो डाल देंगे। और हरी मिर्च डाल देंगे। अब जो मैंने ये दाल भिगो के रखी है वो डाल देंगे। साथ में पानी भी डाल देंगे। सभी मसाले हम अंदर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कोकम, ये गुड़ लिया है मैंने ऐसे 2-3 टुकड़ों में, पिसा हुआ अदरक भी डाल देंगे। और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। गैस का लिड बंद कर देंगे। और कुकर में 9 से 10 सीटी लगा देंगे। 8 सीटी बज चुकी है और कुकर भी ठंडा हो गया है। आओ देखते हैं। खुशबू अच्छी आ रही है। अच्छी तरह से गल चुकी है, बॉईल हो चुकी है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जरूरत के हिसाब से जितनी पतली करनी है इसके हिसाब से पानी डालेंगे। गुजराती दाल है तो ज्यादा गाढ़ी नहीं होती है, वो थोड़ी सी पतली ही रहती है। गैस को ऑन करेंगे। जो दाल अच्छी तरह से स्मैश नहीं हुई है उसको स्मैश कर लेंगे। अगर हैंड मिक्सी घुमाना है तो अंदर जो हमने कोकम डाला है वो जरूर निकाल लीजिए। ये दाल अब बिल्कुल रेडी है। अब नींबू का रस डाल देंगे। करीब मैंने यहाँ आधा नींबू लिया है।
ये दाल को गार्निश करेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। अब हमारी गुजराती स्टाइल खट्टी मीठी दाल बिल्कुल रेडी है, उसको गरम गरम सर्व करें। और आज की एक खास टिप, अगर ये गुजराती दाल में नींबू और गुड़ आप आपके हिसाब से डालोगे तो बहुत ही अच्छी दाल बनेगी।